जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज ये जो मैंने लाई थी इस बैदर से, ये वाले सिंपल सिंपल स्वेटर, तो इनको थोड़ा सा ना कलरफुल सा करके, क्योंकि बच्चों को तो थोड़े से कलरफुल अच्छे लगते हैं, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या किया। ये बस छोटी छोटी सेसरीज हैं, ये मैं लेके आई थी, जिसमें लेने गई थी ये वाले कुछ कैसे निकाले हैं। और ये बो भी ना आई थिंक मैंने किसी चीज़ से काट के रखी थी कि ये मेरे ना किसी ना किसी काम आ जाएगी। तो ये वाले ब्राउन वाले, लाइट ब्राउन वाले मैं इस पर लगाऊंगी, और ये जो आपको पिंक नजर आ रहे हैं एक्चुअली हैं ये रेड, ये मैं लगाऊंगी इस पर, नहीं इसमें मैं पर्ल्स लगाऊंगी, इस पर लगाऊंगी। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ उसको मैंने कैसे, और इससे मैं ये यूएच यू नहीं है, ये वो वाली गम है जिससे काम वाले मतलब ड्रेसेस पे ना वो लगाते हैं, चिपकाते हैं चीज़ें। तो अभी मैं डिसाइड करूँगी कि इस पर क्या लगाना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस पर मैंने ना रेड भी रख के देखे हैं, लेकिन रेड इस पर ना इतने अच्छे नहीं लग रहे, आई थिंक रेड जो है वो ऑफ वाइट पे अच्छे लगेंगे इस पर, ठीक हो गया। और इस पर बस मैंने चिपकाने हैं, ये थोड़ा सा काम है, इतना ज़्यादा कोई काम नहीं कि मैं कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा काम है इसका। ये देखें ठीक हो गया, ये देखिए ये अभी मैं इसको चिपकाऊंगी। ये देखें इस पे मैंने ये सारी गाली है, और ये मैंने बताया था ना, ये मैंने आई थिंक हमें कोई पोर्ट्रेट जैम भी हुआ था, उसके ऊपर ये वाली बो निकाली, और ये जो हैंगिंग्स मैंने लगाए ना ये मेरे पास पड़े थे, रिसेंटली मेरी भाई शादी, तो काफी सस्ते मेरे पास पड़ी, इसको बस जस्ट नहीं करना है। इसके ऊपर मैं कुछ लूँगी ऐसे करके, ये देखिए ऐसे, ये ज़्यादा सही करके काफ़ी फिक्स हो जाएगा वो क्रीम, ठीक है। ये काफ़ी सीखी है, इतनी सीखी हो ना, ये देखें ये लगे, अब इसको मैं इधर है ना इधर चिपका देते हैं, ये सिंपल सा स्वेटर था, इतना अच्छा हो गया। अब है इस वाली की बारी, देखने बच्चों को मैं बताऊँगी, इधर इसे भी ऐसे मैंने साल बंदे बंदे मैंने लगाने, इसे मैंने लगाने ये वाले, इसे बाद इसे भी देखिए अच्छी आती है। मुझे